एक सवाल ये कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर गाज गिरने वाली है? क्या आप केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा? ये एक मैसेज में दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका सच क्या है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज से हड़कंप मच गया है। जिसने भी ये मैसेज देखा वो इसे अपने करीबियों और दोस्तों को भेज रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा ये मैसेज जिसने भी देखा उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज खूब सर्कुलेट हो रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि मोदी की सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक काम करना पड़ेगा। शनिवार की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी, साथ ही काम के घंटे भी बढ़ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज जब हमारे पास पहुंचा तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो मैसेज है कि केंद्रीय कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शनिवार की छुट्टी भी केंद्रीय कर्मचारियों की कैंसिल कर दी जाए। कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसमें इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब ये जो मैसेज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इस खबर का पंचनामा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई ये खबर सच है। पड़ताल की शुरुआत में हमारे सामने कुछ सवाल थे और वो ये कि क्या वायरल मैसेज सच है, क्या केंद्र सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर काम कर रही है। वायरल मैसेज को लेकर हमने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि देश में केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या 47 लाख है। खबर की पड़ताल करने के लिए हमने मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी ऑन रिकॉर्ड इस पर कुछ भी बोलने से सीधे तौर पर मना कर गया। उसके बाद हमने ये प्रयास किया कि आखिर ये जो मैसेज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। हमारी तहकीकात के बाद हमें PIB की वेबसाइट पर 18 अप्रैल का ये प्रेस रिलीज जारी हुआ था DOPT मंत्रालय के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर हमें इस बात की जानकारी मिली कि जो मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शनिवार की छुट्टी केंद्रीय कर्मचारियों की कैंसिल कर दी जाए, इस बात का खंडन जो है DOPT मंत्रालय की तरफ से आया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे मैसेज को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन क्या वाकई इन दावों में कोई सच्चाई है, इसकी जांच जरूरी थी। मामला बड़ा था, लिहाजा हमने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देख रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से संपर्क किया। हमारा पिछला भी अनुभव रहा कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई और समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्लांट किए गए कि भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु घटा करके 55 वर्ष करेगी। हालांकि इस प्रकार का कभी कोई विचार हुआ ही नहीं था और वही रणनीति अपनाते हुए अब ये प्रयास किया जा रहा है भ्रम फैलाने का कि उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे शाम को 7 बजे तक और शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। और विडंबना ये के साथ में कहा जा रहा है कि यद्यपि कोई लिखित आदेश नहीं हुआ है, मौखिक आदेश जारी कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से ये भी इन भ्रम फैलाने वालों को ध्यान में लाना चाहूँगा कि भारत सरकार में जितने भी काम होते हैं लिखित आदेश के अंतर्गत होते हैं, मौखिक आदेश से नहीं होते, और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को और समाज को किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ नेशन की पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल मैसेज में किए जा रहे तमाम तरह के दावे सरासर गलत हैं। केंद्र सरकार के इस तरह के प्रस्ताव का कोई इरादा नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।